देखो भाई, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं भाई, तरह से अपना अपना काम करते रहते हैं लोग। अभी हम आ चुके हैं ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के बाहर। देख सकते हैं स्टेशन के बाहर ये पूरी लाइन लगी हुई है, ये लोग बस का इंतजार कर रहे हैं भाई। मुंबई के हर स्टेशन के बाहर इस तरह से आपको दुकानें लगी हुई दिखाई देंगी। जीन्स पैंट, टी शर्ट, कुर्ती, चप्पल, शर्ट, मोबाइल की दुकान, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। इधर ही अभी आगे हम मेन चौक पे आ चुके हैं। मुंबई के ग्रांट रोड पे लोग इस तरह से मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को ग्रांट रोड का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और यहाँ पर आपको पता होगा काफ़ी फेमस कपड़े का मार्केट भी लगता है, यहीं पर चोर मार्केट भी लगता है। तो दिन में यहाँ का क्या नज़ारा है, किस तरह से मार्केट वगैरह लगते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को पता होगा कि ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के आगे ही कमाठी पूरा है, तो बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि ग्रांट रोड पर किस तरह से मार्केट वगैरह लगते हैं, दुकानें वगैरह ये मुझे दिखाइए और वहाँ पर कपड़े का रेट वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल सामने देख सकते हैं आपको पुरानी पुरानी बिल्डिंगें देखने को मिल रही होंगी और इस तरह से कुछ ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन का मेन रोड है स्टेशन के बाहर का। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे मार्केट का नज़ारा दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे लोग जैसे ही ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, वो आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज़। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, कौन कौन सा मार्केट वगैरह लगता है, सारी चीज़ें बताएंगे दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं स्टेशन के बाहर ये पूरी लाइन लगी हुई है, ये लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस सामने लगी है। अभी जब आएगी तब ये लोग बैठ के अपने अपने लोकेशन पर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से भाई हमने ले लिया है मलाई केसर लस्सी 35 रुपये का। देखो स्टेशन के बाहर ये दुकान है, ये है स्टेशन और इसके बाजू का नज़ारा देखो। पहले लस्सी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी हम आ चुके हैं ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के बाहर और इस वीडियो में आपको ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के बाहर का पूरा मार्केट दिखाने वाला हूं, साथ में यहां का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सामने आपको ढेर सारी कपड़े वगैरह की दुकान देखने को मिलेगी। ये तो हर स्टेशन के बाहर आम चीज़ है जहाँ पर दुकानें वगैरह लगी रहती हैं। देखो ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग है भाई, पहले ज़माने की बिल्डिंग है, अभी भी मुंबई में मौजूद है। ये सारी चीज़ें मुंबई में ही देखने को मिलती हैं भाई। इधर से हम निकल कर आए हैं और इधर मेन गेट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेन गेट है, बट हम पीछे वाले रास्ते से ही निकल आए हैं और सामने ओवर ब्रिज और ये वाला सीधा रास्ता हमें ग्रांट रोड कमाठीपुरा की तरह ले जाएगा। और ये है मेन गेट, अंदर देखो लोकल ट्रेन जा रही है। और ये सामने आपको मोबाइल वगैरह की, दाबेली वगैरह की, जूस वगैरह की दुकानें दिखाई दे रही होंगी, ये सारी की सारी। यहाँ देखो किस तरह से दुकानें लोग लगाते हैं, पूरा रोड के किनारे ये पूरी दुकानें लगी हैं। ऊपर ये ब्रिज है जिस रास्ते से लोग आते हैं बाहर। और ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा देखो किस तरह से यहाँ पर दुकानें वगैरह लगी हैं। इधर भी दुकानें हैं और सामने भी पूरा लोग दुकान लगा के रखे हुए हैं, मोबाइल कवर की, हेयर की, हेयर सैलून की। और ये देखो पीछे का नज़ारा, चलो आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं भाई। मुंबई के हर स्टेशन के बाहर इस तरह से आपको दुकानें लगी हुई दिखाई देंगी जहाँ पे आप लोग शूज वगैरह ले सकते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन शूज वगैरह मिलता है और इधर कपड़े वगैरह, बैग वगैरह की दुकानें। और ये वाली गली में तो दोनों साइड आपको कपड़े की दुकान मिलेगी। इधर देखो लेडीज सूट, फ्राक वगैरह, इधर बेल्ट, चश्मा, टोपी, शर्ट, टी शर्ट, ये लड़कियों के कपड़े। इधर ये बस गुजर रही है भाई और ये मुंबई ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन जो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इधर चलते हैं मार्केट के साइड में और आपको दिखाते हैं भाई। ये देखो ये रोड है और रोड देखो जो हम लोग गांव में आरसीसी कहते हैं ना, वो वाली ईंट लगी हुई है और इसी के दोनों किनारे ये पूरी दुकान लोग लगाए हैं, जिधर आपको खाने पीने से लेकर कपड़े वगैरह की दुकान सब कुछ देखने को मिलेगा। इधर देखो कितना बेहतरीन बेहतरीन कपड़ा भाई, जीन्स पैंट, टी शर्ट, कुर्ती, चप्पल, शर्ट, मोबाइल की दुकान, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। इधर भी पूरा बैग वगैरह, कपड़े वगैरह की दुकान, दोनों तरफ आपको इसी तरह की दुकानें देखने को मिलेंगी जैसे ही आप लोग ग्रांट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे। तो देखो भाई पूरा शूज वगैरह, चप्पल वगैरह, इस तरह से दुकानें लगती हैं यहाँ पर। मुंबई में आप लोग किसी लोकल रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे ना
तो सबसे पहले आपको इसी तरह के मार्केट दिखाई देंगे जहाँ पर कपड़े, शूज, स्लीपर, खाने पीने का दुकान ही मिलेगा। ये देखो ब्रिज के नीचे ना पूरा लोग कपड़ों का दुकान लगा के रखे हुए हैं। ब्रिज के नीचे का जो एरिया है वहाँ पर देखो किस तरह से कपड़े के दुकान लगे हैं, और यहाँ पर ये सारे ना इसी तरह के ठेले वगैरह पे कपड़े लगे हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से लोग कपड़े बेचते हैं। ये भाई देखो ये सब ना अधिकतर यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, अलग अलग राज्यों के लोग ही यहाँ पर इस तरह से दुकान वगैरह लगाते हैं, और आपको 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 250, 300 में इस तरह से यहाँ पर कपड़े वगैरह मिलते रहते हैं। भाई अभी हम लोग चौक पे पहुँचने वाले हैं। ये सामने ओवरब्रिज के बाजू वाला चौक है जहाँ से हम लोग ग्रांड रोड चोर मार्केट की तरफ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो ये कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है भाई, 100-100 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस रास्ते से हम लोग आए हैं सीधा ग्रांड रोड रेलवे स्टेशन है, और ये बाजू का ओवरब्रिज यहाँ पर चौराहा है, और हमें ना इसी रास्ते से आगे चलना है। इस सामने एक कबूतर खाना है, और सभी लोग इस तरह से दाना वगैरह खरीद के कबूतरों को खिलाते हैं। ये मुंबई की बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, हर चौक पे आपको इस तरह से कबूतर खाने देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग दाने वगैरह बेचते हैं और खरीद के लोग यहाँ पर पुण्य का काम करते हैं। इन बेजुबा पक्षियों को लोग दाना वगैरह खिलाते हैं। देखो यहाँ से खरीद के ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है भाई। देखो कितना शानदार ना, सभी कबूतर आराम से दाना खा रहे हैं, उधर पानी वगैरह सब कुछ रखा है, देखो आराम से पी रहे हैं। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं भाई, और आपको पूरा मार्केट का नज़ारा दिखाएंगे। आपको ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं ना, इसके अंदर भाई साहब बहुत सारे लोग ना कामगार काम करते हैं, और यहाँ से मतलब बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अपने परिवार के साथ भाई, काम वगैरह करके। देखो इधर ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अभी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो हम भी आगे निकलते हैं यहाँ से भाई, और आपको आगे चल के पूरा मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। यहीं पर भाई चोर मार्केट भी लगता है, कहाँ लगता है आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको मुंबई के ग्रांड रोड पर ऑटो नहीं दिखाई दे रहा होगा चलते हुए या खड़ा होते हुए, यहाँ पर सब आपको टैक्सियाँ दिखाई देंगी। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑटो नहीं चलता है भाई, यहाँ पर सिर्फ टैक्सी चलना अलाउड है, ऑटो नहीं चल सकता। अगर ऑटो वाले इधर लेकर आएंगे ना किसी को, तो उनको फाइन लग जाएगा भाई। ये एरिया वाइज एरिया ऐसे करके चलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लाडचा गणपति चौक पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, और सामने देखो ये इस तरह से लोग काम वगैरह करते रहते हैं अपना दिन भर भाई। और ये पुरानी पुरानी बिल्डिंगें जो आप लोग सामने देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कारखाने वगैरह भी हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा महीने का ना टर्नओवर वगैरह भी होता रहता है भाई। जैसे मुंबई का धारावी है ना, वैसे यहाँ का ग्रांड रोड भी है भाई। ये भी काफ़ी फेमस, काफ़ी पुराना इलाका है जहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने मार्केट वगैरह लगते हैं। चोर मार्केट आगे वाली गली में ही लगता है, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ भाई। अभी आगे हम मेन चौक पे आ चुके हैं, इधर स्टेशन की तरफ से इधर से आए हैं, और ये है यहाँ का चौक। और आप सभी लोग अगर कभी भी यहाँ पर आए होंगे, यूसुफ मियाँ जी अगलोरिया चौक है ये, और ये वाला रोड आपको पता होगा कि कहाँ जाता है, जो लोग आए होंगे उनको अंदाज़ा होगा भाई। और ये पूरा ऐसे गली में मार्केट वगैरह दोनों साइड में लगता है, देखो तो यहाँ का क्या माहौल है आप लोग देख सकते हैं। उधर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई, ये भीड़ वाला इलाका है पूरा। चलो आगे चलते हैं भाई धीरे धीरे, और दिखाते हैं आगे का भी नज़ारा। इस तरह से लोग अपना सामान वगैरह लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। देखो एक इधर है, एक इधर भी अपना लोड वगैरह करके रखे हुए हैं। जो लोग भी कामगार हैं, रोज काम वगैरह करते हैं, सामान इस तरह से ढो के लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं भाई। ग्रांड रोड रेलवे स्टेशन का सबसे पुराना सिनेमा हॉल है जहाँ पर लिखा है निशांत चित्रपट गृह, देख सकते हैं आप लोग। तो आओ फिर आगे बढ़ते हैं, और आपको मुंबई के ग्रांड रोड का पूरा नज़ारा दिखाते हैं आपको। दोस्तों सामने देखिए ग्रांड रोड पे लोग किस तरह से मजदूरियाँ वगैरह करते रहते हैं। ये दादाजी सर पे कुछ रख के ले जा रहे हैं दूसरी जगह, इस तरह से लोग मजदूरी करते हैं भाई, और घर परिवार अपना चलाते हैं। इधर भी देखो कुछ सामान उतर रहे हैं, और उसको लोग सर पे लेकर जा रहे हैं अपनी दुकानों के लिए। पूरा कारखानों का काम इधर चलता है। इधर देखिए गाड़ियाँ इधर रिपेयर वगैरह होती हैं भाई। दोस्तों ये मुंबई का ग्रांड रोड ना बहुत ही भीड़ भड़का वाला इलाका है। आप सभी को थोड़ा सा इसका इतिहास भी बता दें। ग्रांड रोड रेलवे स्टेशन ना BB&CI रेलवे का पहला टर्मिनस था। 28 नवंबर 1864 को बॉम्बे से अहमदाबाद के लिए ना पहली ट्रेन भी
ग्रांट रोड से ही चली थी। आप लोग देख सकते हैं ग्रांट रोड का चारों तरफ का शानदार सा नज़ारा, किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह धीरे धीरे जो है वो डेवलप की जा रही है, यहाँ की सड़कों का क्या हाल है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। 1 नवंबर 1865 को ना ग्रांट रोड और बेसिन रोड जो आज का वसई रोड रेलवे स्टेशन है इसके बीच उपनगरी सेवा शुरू की गई थी। देखो भाई सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं भाई, इस तरह से अपना अपना काम करते रहते हैं लोग और अपना और अपने परिवार का पूरा जिंदगी चलाते हैं, इसी तरह से काम वगैरह होते रहते हैं। ये मुंबई का जो ग्रांट रोड है ना, यहाँ पर कपड़े के मार्केट वगैरह तो लगते ही हैं, साथ में इलेक्ट्रिक सामान भी वगैरह मिलता रहता है चोर मार्केट में। लेकिन यहाँ पर किस तरह से लोग अपनी दिनचर्या चलाते हैं, किस तरह से रोजाना लोग काम करते हैं, वो आप सभी लोगों को इस वीडियो में मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। मुंबई के ग्रांट रोड का पूरा नज़ारा, पूरा मार्केट आज की इस वीडियो में हम आपको घुमा रहे हैं। सामने देखिए आपको पूरा कपड़े वगैरह का दुकान नज़र आएगा, यहाँ पर कैफे वगैरह सब कुछ अच्छे दामों में मिल जाता है। या आपको अटैचियाँ लेनी है या आपको शोरूम जैसा फील लेना है तो अंदर दुकानों में जा सकते हैं। और इधर लेडीज़ सामान हो जेंट्स हो सारी चीज़ अच्छे दामों में मिल जाता है, लोअर कैफी शर्ट टी शर्ट पैंट जॉगर्स स्लीपर लड़कियों के चप्पल सारी चीज़ें मिलती हैं भाई। आपको अगर अंदर शोरूम से लेना है शोरूम से ले सकते हैं, जूता वगैरह देख सकते हैं। अगर आपको फुटपाथ से लेना है तो बगल में फुटपाथ पे है, फुटपाथ पर से ले सकते हैं। मुंबई के ग्रांट रोड में ना कपड़े या जूते वगैरह बहुत ही अच्छे दामों में और बढ़िया बेहतरीन मिलते हैं। देखिए जहाँ से लोग फुटपाथ से गुजर रहे हैं दोनों साइड आपको दुकानें ही दुकानें नज़र आ रही होंगी। और मुंबई के ग्रांट रोड पर ना कई सारी प्रसिद्ध दुकानें भी हैं, पुरानी पुरानी दुकानें। इधर देखिए पूरा साड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं। आपको बताते चलें कि बी मेरवान केक शॉप और बेकरी है ना, जो कि मुंबई की ग्रांट रोड की सबसे पुरानी बेकरियों में से एक है। और यहाँ पर कपड़े की भी दुकानें हैं, देखिए सामने जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में। ले भाई सिस्टम है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको ग्रांट रोड मार्केट का पूरा नज़ारा दिखा दिया है और ये भी बता दिया है कि चोर मार्केट किस साइड लगता है। फ्राइडे को 2 बजे से लेकर मॉर्निंग के 5 बजे तक चोर मार्केट लगता है और अभी हम यहीं पर मौजूद हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी देख लिए होंगे कि जो ग्रांट रोड है उसके आजू बाजू स्टेशन के आजू बाजू का पूरा मार्केट कैसा होता है, किस तरह से मार्केट वगैरह लगता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको कवर करके दिखा दिया है। अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम में सभी लोग अपने काम वगैरह से छूटते हैं और जल्दी जल्दी घर जाने के लिए भाग दौड़ करते हैं भाई। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।